दिल्ली के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी साथी, मुझे समय बहुत कम मिला है लेकिन मैं अपनी बात उतने ही समय में रखना चाहता हूँ। बहनों भाइयों, दिल्ली के मुद्दे भाई विजय गोयल जी आपके साथ रखने वाले हैं और देश के मुद्दे देश का भावी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी आपके सामने रखने वाले हैं। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में आजादी के बाद से जिस प्रकार कांग्रेस ने नौटंकी का राज चलाया है, बहनों भाइयों जब हम लोग नाटक देखते हैं, हम लोग सिनेमा देखते हैं तो उस 3 घंटे के अंदर हम सरोवर हो जाते हैं लेकिन 3 घंटे के बाद तो असली जिंदगी जीते हैं। कांग्रेस हमारे लोगों को भुलावा और छलावा देती है, वो चाहती है कि हम खाली 3 घंटे की इनकी सिनेमा जिंदगी में आ जाए, इनकी नाटक नौटंकी में फंस जाए। कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नाटक किया, आज तक गरीबी नहीं हटी। इंदिरा जी के जमाने से गरीबी हटाने का नारा लगा रहे हैं और आज तक गरीबी हटाए ही जा रहे हैं। ये नाटक करते हैं और चुनाव से पहले भी नौटंकी करते हैं। कल कांग्रेस के चुनाव में इनके सुप्रीमो ने इनके उपाध्यक्ष ने किस तरह की नौटंकी की है, इस व्यक्ति ने भारत की मान मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा और किस प्रकार अध्यादेश को फाड़ने का नौटंकी रची। ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है। पहले अध्यादेश लाने के लिए मीटिंग करी, पहले अध्यादेश बनाने के लिए मीटिंग करी और फिर अध्यादेश फाड़ने की नौटंकी करी, जिससे कि देश जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति को गुहार लगाई है कि अध्यादेश कैंसिल होना चाहिए, तब वो निकल कर आए कि जवानों की आवाज में इस नौटंकी को समझिए और कांग्रेस का पर्दा फाश कीजिए। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, क्योंकि मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत है, भाई सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, संवैधानिक संस्थाओं की मान मर्यादा कम करना और सीबीआई से इस देश को चलाना, ये कांग्रेस की फितरत है। और प्रदेश में भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, अनधिकृत कॉलोनियां, गांव के मुद्दे, लालटोले के मुद्दे और भ्रष्टाचार के मुद्दे, कुशासन के मुद्दे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा बस, इस सरकार ने, इस केंद्र की सरकार ने हम सब युवाओं का, हम सब भारतवासियों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई है। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहता हूँ कि मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उस समय मैंने मेरा मेडिकल कॉलेज दुनिया के सबसे अच्छे 10 मेडिकल कॉलेज में आता था और आज मेरे साथ के लोग दुनिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सब जगह अच्छी अच्छी पोजिशन पर बैठे हैं और मुझे फोन करते हैं कि रणजीत तुम क्या कर रहे हो, देश में तुम तो राष्ट्रवादी होते थे, संघ की शाखा चलाते थे, लेकिन अब कैसे सहन कर रहे सरकार को, इसने हम भारतवासियों को विदेशों में भी रहने लायक नहीं रखा है, हमारे स्वाभिमान पर चोट की है, हमको लोग भारत का कहने की बजाय घुटाले वाली वाले देश का लोग कहते हैं, भ्रष्टाचार वाले देश का लोग कहते हैं, हमारी सीमाओं पर पड़ोसी हमारे सैनिकों को काट जाते हैं, ऐसे स्वाभिमान शून्य देश का लोग कहते हैं, कैसे तुम सहन कर रहे हो। मैंने कहा अब सिंह गर्जना होने वाली है, अब जो जितना सहेगा वो सहेगा, नरेंद्र भाई मोदी अब सिंह गर्जना करने वाले हैं और देश के 25 करोड़ लोग इस सिंह गर्जना में अपना फल मिलाने वाले हैं, इस सरकार को हटाने वाले हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, वही मेरे दोस्त तब फोन करते थे कि जब हम कहीं निकलते हैं तो हिंदुस्तान के लोगों का मान बढ़ता है, सलाम करते हैं लोग। उन्होंने सब सेंसस के बाद भी न्यूक्लियर विस्फोट किया, एक नहीं दो नहीं 3 किए और सारी सेंसस झेलने के बाद भी, सारे इकोनॉमिक सेंसस झेलने के बाद भी सबसे अच्छा शासन दिया, 6 साल का सबसे अच्छा शासन अटल जी ने दिया। मैं भाइयों वही शासन की किताब और वही बात लेकर आज हमारे बीच में सिंध गर्जना के लिए भाई नरेंद्र मोदी आ